हेलो गाइस, तो कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, हम कोई भी फ़ोटो एडिट करते हैं तो सबसे मुश्किल काम होता है फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना। दोस्तों, हम हाथ से इरेज करने जाते हैं तो वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है, हम बोर भी हो जाते हैं तो फ़ोटो एडिट कर ही नहीं पाते। दोस्तों, आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन ले कर आया हूँ जहाँ से आप कुछ ही सेकेंड में बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे। चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में फोटो रूम एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन करना है तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे एक प्लस का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। आपको जिस भी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है उस फोटो को सिलेक्ट करके ले लेना है। दोस्तों, यहाँ आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। दोस्तों, आप चाहे तो पीछे बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड लगाने के लिए पीछे बैकग्राउंड में क्लिक करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपको यहाँ माई फोटोज़ पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड लग चुका है और कितना औसम लग रहा है हमारा फोटो। तो फोटो को सेव करने के लिए ऊपर राइट साइड में एक तीर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे सेव टू गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आपको फोटो को सेव कर लेना है। दोस्तों, आप भी इसी तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं।